हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज का ओ लेवल का पहला क्लास, जो ओ लेवल का पहला पेपर है, ठीक है। चलिए हम जानते हैं ओ लेवल के पहले पेपर में कितने नंबर का पेपर होता है और कहाँ से कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो जानते हैं। ओ लेवल M1 R5, ठीक। M1 का मतलब होता है ठीक, और R का मतलब होता है रिवाइज। आज तक ओ लेवल जो पेपर हुआ है 5 बार बदला जा चुका है। आपके बार 5 वाला था, इसलिए आपका R5 हो गया, ठीक है। और पहले पेपर को या मॉड्यूल भी कहते हैं, पेपर भी कहते हैं, ठीक है। इसलिए आपका M1 लिखा जाता है। तो ये आपका फर्स्ट पेपर है जिसमें आपका इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर और ऑपरेटिंग सिस्टम से आपका 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा। वर्ड प्रोसेसिंग यानी कि लिब्रे ऑफिस राइटर से आपका 20 नंबर का। स्प्रेडशीट लिब्रे ऑफिस कैल 20 नंबर का। प्रेजेंटेशन लिब्रे ऑफिस इंप्रेस 20 नंबर का। फिर आपका इंटरनेट से WWE, ईमेल, सोशल नेटवर्किंग और ई गवर्नमेंट से आपका 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा। डिजिटल फाइनेंशियल और साइबर सिक्योरिटी से आपका 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा। टोटल आपका हो जाएगा 100 नंबर, ठीक है। तो हमको सबसे ज़्यादा किस पर ध्यान देना है, पूरे ऑफिस पर यानी कि लिब्रे ऑफिस पर और इंटरनेट पर ध्यान देना है, ठीक है। इंट्रोडक्शन और डिजिटल फाइनेंशियल से 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसको भी आपको ध्यान देना है, भी 20 नंबर का आएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आपका 3 पार्ट है, ठीक है, 4 पार्ट, ये आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर से स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्लास है, ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर शब्द का प्रथम प्रयोग 1613 में एक अंग्रेज जिसका नाम था रिच्ड बेथबेट, उन्होंने किताब लिखा था द यंग मैन ग्लेनिक्स, उसमें पाया गया था। कंप्यूटर को हिंदी में हम कई शब्द हैं, अभिकलित, संगणक, अभिकलक और परिकलक, ये सारे नाम हैं, ये सब याद कर लीजिए, ठीक है। वैसे तो आपका इसको इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, लेकिन ये आपका सबसे पहले कब प्रयोग किया गया था ये आपको याद रखना है। 1613 में किसने किया था, रिच्ड बेथबेट, ठीक है। उनकी किताब थी द यंग मैन ग्लेनिक्स, उसमें पाया गया था, ये तब को आपको ध्यान रखना है, इसी से क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। अगला आपका है, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कंप्यूटर शब्द से मानी जाती है, जिसका अर्थ है गणना करना। कंप्यूटर को सामान्यतः एक ऐसे यंत्र के रूप में जाना जाता है जो अत्यंत तीव्र गति से गणनाएं करने में सक्षम है। गणना का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर डाटा जाता है वो अपनी भाषा में बदलता है, फिर वो हम अपनी भाषा में से हमारी भाषा में चेंज करके हमको बताता है। तो इसलिए इसके अंदर आपका कन्वर्टर लगे हुए हैं, बहुत तीव्र गति से गणना करके कन्वर्ट करता है, इसलिए आपको कंप्यूटर को गणना मशीन कहा गया है, ठीक है। जैसे हम कोई चीज़ किसी को बताते हैं, जैसे हमको हिंदी आती है, उसको फारसी आती है, तो फारसी वाला हिंदी नहीं समझेगा और हिंदी वाला फारसी नहीं समझेगा, तो बीच में क्या है, एक कन्वर्टर व्यक्ति का लग जाए जो दोनों जानता हो, तो क्या करेगा, हमारी बात को उनको समझाएगा, उनकी बात को फिर हमको समझाएगा, ठीक है। तो बीच में जो आपका कन्वर्टर लगा हुआ है वो गणना करता है, इसीलिए कंप्यूटर को गणना कंप्यूटर कहा गया है, या फिर तीव्र गति से गणना करने में सक्षम है। अभी जब हम बाइनरी पढ़ाएंगे तब उसे समझाएंगे कैसे हमारी भावनाओं को सिस्टम समझता है, फिर हमारी भावना संबंधित जो हम पूछे रहते हैं वही आपका आंसर आपके स्क्रीन पर आता है, वो आगे पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आपका है डिफिनीशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की परिभाषा आपका है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, जानते ही हैं, विद्युतीय मशीन है, डीजल से नहीं चलने वाला है, जो भी आप लिखते हैं रो डाटा कन्वर्ट मतलब लाइन बाय लाइन लिखने में आपका सहायता प्रदान करता है, ठीक है। और जो लिख करके एक पूरा पेज तैयार करते हैं उसी को हम प्रोग्राम कहते हैं। आप चाहे कोई वेबसाइट बना रहे हो, कोई आप लेटर तैयार कर रहे हो, सब में आपका डाटा दिया जाता है, फिर रन होता है, फिर आपके स्क्रीन पर आता है, ठीक है। तो कंप्यूटर एक स्वतः से चलने वाले विद्युतीय यंत्र है जो कि लिखे गए डाटा को रो डाटा में कन्वर्ट कर देता है, जिसको चेंज करने में आपकी सहायता प्रदान करता है, और वही जो आपका डाटा लिखा हुआ है, इंस्ट्रक्शन जो लिखे हुए हैं उसी को हम प्रयोग करते हैं, उसको कहते हैं प्रोग्राम, ठीक है। फिर आपका अगला है, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अब डिवाइस मशीन में क्या फ़र्क है, यहाँ आपका मशीन लिखा हुआ था और यहाँ पे आपका डिवाइस लिखा हुआ है। डिवाइस का मतलब क्या होता है, यही इसका मतलब आपका यंत्र ही होता है, और मशीन का मतलब भी यंत्र होता है, बस अंतर यह है कि कंप्यूटर के भाषा में मशीन को हम डिवाइस कहते हैं। मशीन शब्द जो आपका कॉमन शब्द है जो सभी जगह यूज किया जाता है, अगर आप सब्जेक्ट मशीन सॉरी सब्जेक्ट अगर आप कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो कंप्यूटर जितने भी आपके पार्ट्स हैं, मशीनरी सामान हैं, उन सभी को हम डिवाइस कहते हैं, इसलिए यहाँ पर कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लिखा हुआ है। किसी विषय बारे में हम जानकारी आप ले सकते हैं, बात और इनपुट का मतलब बोल करके, जिसको हम गूगल सर्च कहते हैं, ठीक है। ऑपरेशन मतलब यहाँ ऑपरेशन का मतलब सर्च करना होगा, सर्च करके एक सही जानकारी आपके स्क्रीन पर ला के दे देता है, ये आपका ऑनलाइन परिभाषा हो गई।
जो आप बोल के अभी गूगल में आप देते हैं। फुल फॉर्म कंप्यूटर का आपका है ही, इससे कोई क्वेश्चन तो नहीं बन रहा है, फिर भी आप याद करके रखिएगा, ठीक है। 8 अक्षर होते हैं कंप्यूटर में, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन प्रोसेसिंग यूज फॉर यूनिट टेक्नोलॉजी एजुकेशन रिसर्च, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन प्रपोजल यूज फॉर टेक्नोलॉजी और एजुकेशन रिसर्च। अब यहाँ पे कॉमन शब्द पहले कैलकुलेशन था, क्यों आया कैसे आया आपके बारे थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि ट्रिपल सी जो आपका वीडियो है उसमें डिटेल आपको बताया गया है, ठीक है, कैसे इसका कॉमन से कॉमन कैसे आया, फिर आपका यहाँ पर पीफा प्रोसेस कैसे आ गया, ये सब कैसे हुआ है, ठीक है। ये सब का डिटेल आप ट्रिपल सी का वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। फिर आपका नेक्स्ट है कॉमन मेमोरी यूनिट बिट्स, ठीक है। कंप्यूटर के अंदर जो भी डाटा जाती है वो आपका बिट्स के रूप में जाता है, बाइनरी के रूप में जाती है, ठीक है। तो जो भी आप अच्छा लिखते हैं पहले बिट में बदलता है और फिर आपका शब्द बनता है, तो 4 बिट कहते हैं या 1 निबल कहते हैं, ठीक। फिर आपका 8 बिट होता है जो 1 बाइट के बराबर होता है, 8 बिट को हम 2 निबल भी कहते हैं, ठीक है, या 8 बिट को 1 बाइट भी कहते हैं। कभी कोई क्वेश्चन आता है इसमें से कौन सा 1 बिट के बराबर है, 2 निबल, 4 बिट, 8 बिट, ठीक है, या दोनों, तो 2 निबल और 8 बिट दोनों एक ही जैसे हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि 1 निबल जो होता है 4 × 8 8 बिट के बराबर होता है, या फिर 8 बिट जो है 2 निबल के बराबर है, बाकी आपको याद कर लेना है ऐसे, ठीक है, इसी में आपको क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट अगला आपका है, आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर मटेरियल। कंप्यूटर चलाने के लिए आपको 4 पार्टिकल जरूरत है, मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड और सीपीयू। इसमें कोई क्वेश्चन नहीं बनना अवेलेबल में, ट्रिपल सी का क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक, कंप्यूटर कौन सा पार्ट नहीं है, हो सकता है इसमें पूछ ले, ठीक है। तो एक मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, सीपीयू, ये 4 पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो इसके बिना कंप्यूटर नहीं चल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर के संक्षिप्त इतिहास, ठीक, कंप्यूटर इतिहास संक्षिप्त में थोड़ा सा दिया गया है, उसको फटाफट समझ लेते हैं। 1613 ईस्वी में एक जर्मन गणितज्ञ थे जिसका नाम था विलहेम सिकार्ड, उन्होंने पहला यांत्रिक कैलकुलेटर बनाया था, ठीक, यानी कि आपको याद रखना है सबसे पहला कैलकुलेटर किसने बनाया था, विलहेम सिकार्ड, जो जर्मनी के थे और 1613 में, ठीक। अगला है 1942 में एक फ्रांस के गणितज्ञ थे जिसका नाम था ब्लेज पास्कल, ये आपको आप जानते होंगे, इन्होंने कैलकुलेटर बना डाला था, जोड़ने घटाना गुणा भाग करने वाला, कब आए, 1942 में आया, कैलकुलेटर को याद कर लीजिए, ठीक। फिर आपका नेक्स्ट आपका है ब्रिटिश के गणितज्ञ थे जिसका नाम था चार्ल्स बेबेज, उन्होंने 1833 में एनालिटिकल इंजन का निर्माण किया, इन्हीं को हम कंप्यूटर का पितामह भी कहते हैं, क्योंकि जब इन्होंने एनालिटिकल इंजन बनाया था उसमें चिप का प्रयोग करके बनाया था, जिसको हम जैकार्ड पंचकार्ड कहते हैं, ठीक है, पंचकार्ड मतलब कार्ड होता है चिप, ठीक। तो उस समय जब बनाया था मिट्टी का बना हुआ था, उसमें को ज़्यादा वैल्यू नहीं दी गई कि तो गल जाएगा, खराब हो जाएगा वो जल्दी, ठीक है, लेकिन वही चीज़ आज वर्तमान में सभी कंप्यूटराइज और बड़े बड़े मशीनरी में यूज किए जा रहे हैं, इसी लिखा आगे, इसे वर्तमान कंप्यूटरों का अग्रदूत माना जाता है, ठीक है, कि नहीं, चार्ल्स बेबेज, ठीक है। उस समय आपके क्या थे, मतलब उनकी वैल्यू कुछ नहीं थी, लेकिन आज इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। नेक्स्ट आपका है पंचकार्ड का टेबुलेटिंग सिस्टम को पेटेंट कराया, जिससे सांख्यिकी आंकड़े की भारी मात्रा में कार्य करना संभव हो सका, इस मशीन का प्रयोग अमेरिकी जनगणना में किया गया था। क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है, सबसे पहले जनगणना में प्रयोग होने वाली मशीन, ठीक है, तो आपको हो जाएगा आंसर टेबुलेटिंग मशीन, कहाँ बना था, अमेरिका में, किसने बनाया था, हरमैन हेलोरिथ बनाया था, कब बनाया गया था, 1889 में। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है, इसमें से आप इसको भी तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 1941 ईस्वी में जर्मन इंजीनियर कॉनराड जूसे ने प्रथम पूर्णतः क्रियात्मक डिजिटल जड़ 3 कंप्यूटर का आविष्कार किया, जिसे प्रोग्रामर नियंत्रित किया सकता है। इसमें भी आपका क्वेश्चन बन रहा है जड़ 3 कंप्यूटर कब बनाया गया, 1941, किसने बनाया, कॉनराड से जूसे ने बनाया, ठीक है, इसको हम डिजिटल कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं, ठीक। जड़ 3 इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर नहीं था या विद्युत स्विच पर आधारित था, इसका मतलब क्या होता है, जैसे आप मोटर चलाते हैं पानी वाला, स्विच ऑन किए चलने लगा, स्विच बंद के लिए काम खत्म,
अगर काम रहता तभी आप मोटर चलाते नहीं, तो भी आप नहीं चलाते, ऐसे कंप्यूटर बनाया गया था। अगर आपको काम करना स्विच ऑन के कंप्यूटर चालू हो जाएगा, आपको काम फटाफट काम करना है, ठीक है, नहीं काम है बंद कर दीजिए। तो इसे कहते हैं विद्युत स्विच पर आधारित कंप्यूटर, इसको हम रिले कहते हैं, ठीक है। आयोवा स्टेट कॉलेज के भौतिक विज्ञान अटोनासॉफ और उनके सहयोगी क्लिफोर्ड बेरी ने प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया, जिसका नाम था कंप्यूटर ABC, ठीक है। इसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया, इसमें रिले की अपेक्षा तेजी से काम किया सकता था, या प्रारंभिक कंप्यूटर प्रोग्रामेबल नहीं था, प्रोग्रामिंग करके नहीं बनाया गया था, कोडिंग करके, ठीक है। अब ये जो आपका क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है, ABC कंप्यूटर कब बनाया गया, 1942 में, किसे बनाया था, जन अटोनासॉफ और क्लिफोर्ड बेरी ने मिलकर के, ठीक है। इसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल सबसे पहले किया गया था। वैक्यूम ट्यूब क्या होते हैं, जब जने से पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे। IBM और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हार्वर्ड आइकेन ने प्रथम लार्ज स्केल ऑटोमेटिक डिजिटल Z3 मार्क फर्स्ट कंप्यूटर निर्माण किया। यह रिले आधारित मशीन 55 फीट लंबी और फुट ऊंची थी, ठीक है। अभी आपका हार्वर्ड आइकेन, ये आपका सबसे बड़ा कंप्यूटर था, सबसे लंबा भी, ऊंचा भी था, 55 फीट लंबी, सोचिए कितना लंबा होता है, 8 फीट ऊंची, लगभग आपके छत के लगभग, आपका छत 12 फुट पर लगता है, ये आपका 8 फीट इतना ऊंचा आपका कंप्यूटर था, ठीक है। तो क्वेश्चन आ जाता है हार्वर्ड आइकेन क्या है, ठीक है। तो हार्वर्ड आइकेन एक वैज्ञानिक का नाम है, सॉरी कंप्यूटर का नाम, क्वेश्चन इसमें कंफ्यूजन वाला आ जाता है। मार्क फर्स्ट है वैज्ञानिक नेम, मशीन नेम, कंप्यूटर नेम, इसमें से कोई नहीं। तो मार्क फर्स्ट एक कंप्यूटर का नाम है, ठीक है, और हार्वर्ड आइकेन एक वैज्ञानिक का नाम है, ठीक, सबसे बड़ी थी और सबसे ऊंची थी। 1946 में अमेरिकी सेना के लिए पेंसिल्वेनिया में विश्वविद्यालय भौतिक विज्ञान बांचली और इंजीनियर प्रोफेसर स्केल्ड इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर यानी ENIAC ENIAC का निर्माण किया। यहाँ क्वेश्चन बन रहा है ENIAC क्या है, ENIAC का फुल फॉर्म का इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। ENIAC कंप्यूटर कब बनाया गया, 1946 में, कहाँ बनाया गया, अमेरिका में बनाया गया था। इसमें आपका 18,000 वैक्यूम ट्यूब लगे थे। अब बताओ वैक्यूम ट्यूब क्या, बता देता हूँ। वैक्यूम ट्यूब एक निर्वात ट्यूब होती है जिसमें कंप्यूटर के हीट को बराबर रखने में यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे हम लोग के अंदर उसमें है ना, टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री है, ज़्यादा हो जाए तो बुखार, कम है तो तब भी बुखार, ठीक है। तो हम लोग शरीर का टेम्परेचर क्या बराबर रहता है, ऐसे मशीन का टेम्परेचर बराबर रहना चाहिए। अगर आपको कम हो जाएगा तब भी दिक्कत, ज़्यादा हो जाएगा तब भी दिक्कत। तो कम होने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी मशीन में। अभी आप देखे होंगे आपका इंजन एक बार में स्टार्ट नहीं होता है कि बहुत ठंडा हो गया, ठीक है। आप मशीन चलाते होंगे इंजन पानी वाला, तो आपका जल्दी एक बार में स्टार्ट नहीं होता, क्यों, ठंडा हो गया है, और गर्म ज़्यादा हो जाएगा तो आपका मशीन जलने का डर रहता है, ठीक है। तो उस टेम्परेचर को बराबर रखने के लिए वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। तो सबसे पहले जब कंप्यूटर बनाया गया था उसमें क्या, जब कंप्यूटर गर्म हो जाता तो कंप्यूटर को बंद कर देते थे कुछ टाइम के लिए, फिर स्टार्ट करते। लेकिन जब वैक्यूम ट्यूब लाया गया तो कंप्यूटर लगभग 8 से 10 घंटे लगातार चलाने में सक्षम कर सका, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब को गर्म होने में 4 घंटे लगते हैं, 4 घंटे वैक्यूम ट्यूब गर्म होने में लगा और 4 घंटे पहले से, तो 8 घंटा लगभग कंप्यूटर लगातार चल सकता था, ठीक है। ऐसा जितने भी आपके मशीन आजकल बनाई जा रही सब में आपका यूज किया, जैसे आपका ट्रैक्टर है उसमें देखिए पंखा लगा हुआ बड़ा सा, और जहाँ तेल डालते उसके सामने आपका पानी में डाला जाता है, क्योंकि आपका ट्रैक्टर का इंजन हीट ना हो। जनरेटर देख लीजिए, वहाँ पानी डाला जाता है, ठीक है। आपका जितने भी आपके इंजन है सब में टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए कुछ ना कुछ तकनीकी लगाई गई। तो उस समय जब कंप्यूटर बनाया गया था 1946 में ENIAC, तो वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल करके कंप्यूटर को बनाया गया था, समझ में आ गया। नेक्स्ट 1951 ईस्वी में ECAT मार्च ने प्रथम कमर्शियल कंप्यूटर बनाया जिसमें आपका बैंकिंग काम किया सकता था, ठीक है। 1984 में एप्पल ने प्रथम बार माइक्रोसॉफ्ट बाजार में उतारा क्या, एक कंप्यूटर था, ठीक है, जिसमें ग्राफिकल इंटरफेस और माउस की सुविधा उपलब्ध थी, ठीक। एप्पल कंपनी आपका 1984 ईस्वी में एप्पल कंपनी आई, ठीक। उन्होंने GUI ग्राफिकल इंटरफेस जिसमें माउस सुविधा उपलब्ध थी, ऐसा कंप्यूटर बाजार में उतारा, कौन सा बाजार, माइक्रोसॉफ्ट बाजार। 1990 ईस्वी में माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी आई जिसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का प्रथम विंडोज 3.0 बाजार में उतारा गया, ठीक है। यानी कि आपका विंडोज 3.0 सबसे पहले आया था जिसमें आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का
फीचर था। ग्राफिकल इंटरफेस का मतलब क्या होता है, जिसमें हम चित्र को देख करके कोई काम कर सकते हैं। जैसे आपका माई कंप्यूटर है, फोल्डर है, फाइल है, क्रोम है, ओपेरा है। तो पहले ये सब कुछ अभी आपका चित्र देख रहे हैं, ओपेरा का लाल लाल ओ बना हुआ है, क्रोम का तीन पट्टी पीला और हरा करके बना हुआ है ना, पहले सब नहीं था। पहले आपका ऐसे लिखा रहता था, माई कंप्यूटर ओपेरा लिखा रहता था, उसमें कोई चित्र नहीं था जिसे आप पहचान सको। ठीक है, तो आप क्या हो रहा, नाम भी लिखा रहता है प्लस उसका एक आइकॉन बना होता है, चित्र बना होता है, जिसको हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहते हैं। 2001 में एप्पल कंपनी ने फिर आपका यूनिक्स पर आधारित एक ऑपरेटिंग सिस्टम उतारा, जिसका नाम था मैक्स ओएस एक्स कहते हैं। ठीक है, मैक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक्स कहते हैं, वो बाजार में उतारा। ठीक, 2001 में आया। फिर आपका जनरेशन में बांट दी गई, जिसमें 5 पीढ़ियाँ हैं। पहला पीढ़ी आपका है 1946 से 55 के बीच, जिसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल करके बहुत सारा काम किया गया, कंप्यूटर चलाया गया। ठीक है, और मशीन लैंग्वेज का यूज करते थे, यानी कि दो ही बटन हुआ कर 0 और 1 हुआ करते थे। अगर आपको राम लिखना है तो राम का पहले कोड निकलना पड़ेगा 0101 करके। ठीक है, तब आप जब दबाएंगे तो आपका राम लिखेगा। फिर आपका डाटा एंटर करने के लिए पंच कार्ड का यूज करते थे, यानी कि कार्ड का प्रयोग किया था, जिससे आपका पुराने ज़माने में 20 साल पहले चले जाएँ तब देखे होंगे, ट्रेन का टिकट लेना था, एक कार्ड मिलता था कागज़ का, मोटा था। ठीक है, तो उस तरह का कार्ड का प्रयोग करके हम कागज़ पे हम छाप करके डाटा को रखते थे। ठीक है, तो यही लिखा डाटा इंटरसन के लिए, डाटा होता है इंटरसन निर्देश के लिए पंच कार्ड का यूज करते थे। इसकी मेमोरी कैपेसिटी 10,000 से 20,000 करेक्टर को रन करने की क्षमता थी, तो ज़्यादा नहीं थी। वैक्यूम ट्यूब बनाने वाले वैज्ञानिक का नाम है जॉन एब्रुश फ्लेमिंग, 1904 में बनाया गया था। ठीक है, यानी कि वैज्ञानिक जो थे 1904 में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया था, सॉरी बनाया था, और बाद में कंप्यूटर में प्रयोग किया गया था। फिर आपका अगला है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, आपका ये इस तरह बड़ा सा बना हुआ था, जो लगभग 3 कमरे में रखा गया था, बड़े बड़े। ठीक है, चलाने के लिए 2 से 3 आदमी लगते थे। ठीक है, तब आप कंप्यूटर चला पाते थे, अभी तो आप अकेले चला सकते हैं। स्पीड आपका उस समय इसका कंप्यूटर का था कुछ 1000 पर सेकंड डाटा को लेना और देना। ठीक है, उस समय कंप्यूटर का नाम था ENIAC Univac ADSC, आप फुल फॉर्म यहाँ नीचे लिखा हुआ है। अब आप सोच रहे हैं कि ये सब जो फुल फॉर्म है, जो कंप्यूटर हैं HP Lenovo Dell ये सब के नाम तो नहीं है। तो पहले जो कंप्यूटर हुआ करते थे वो जैसा काम करते थे उसी के नाम पर आधार पर, काम के आधार पर आपका कंप्यूटर का नामकरण कर दिया जाता था। आपके ज़माने में देखेंगे बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति होंगे जिसका जैसा हैबिट था उसका नाम ऐसे रख दिया गया, हड़बड़ा है, खड़बड़ा है, इंदादा है। ठीक है, अब जो आपका क्या अच्छा अच्छा नाम रखा जाता है बच्चों का, तो वैसे कंप्यूटर में भी था कि जैसे कंप्यूटर जैसा काम करता इसी प्रकार उसका नाम था। ठीक है, सेकंड जनरेशन टाइम पीरियड 1955 से 1964 हुआ। सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था, जिसमें कंप्यूटर के आकार को थोड़ा छोटा कम बनाया गया, यानी फर्स्ट जनरेशन से 4,000 से 64,000 के करेक्टर की क्षमता हो गई मेमोरी डाटा रखने की, और स्पीड इसका 10 इंटरसन पर सेकंड हो गया। ठीक है, लैंग्वेज कोबोल, फोर्ट्रान, एल्गोल ये आपके लैंग्वेज किए जाने लगे थे, इसके पहले आपके केवल मशीन लैंग्वेज थे। बनाने वैज्ञानिक का नाम है क्या, ट्रांजिस्टर 1947 में बनाया गया था, और वैज्ञानिक का नाम है जॉन बर्डी, विलियम सॉकली और वाल्टर सॉकली। ये क्वेश्चन बन जाते हैं, ट्रांजिस्टर कब बनाया गया था 1947 में जब आपका देश आज़ाद हुआ था, किसने बनाया था, ये नाम आपका 3 दिया गया है। ठीक है, ये आपका कंप्यूटर था सेकंड जनरेशन की स्थिति में, इतना बड़ा हो गया, उतना बड़े से लेकर के इतना बड़े में आ गया। ठीक, एक रूम के अंदर रखा जा सकता था, ये आपके ट्रांजिस्टर से हैं। कोबोल का फुल फॉर्म कोबन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, फोर्ट्रान का होगा फार्मुला ट्रांजिशन, एल्गोल का होगा एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ये सब आपके लैंग्वेज थे जो कंप्यूटर में यूज होने लगे थे सेकंड जनरेशन में। फिर आपका नेक्स्ट है थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन आपका 1964 से 1973 के बीच आया, इसमें IC का यूज किया गया, इंटीग्रेटेड सर्किट का फुल फॉर्म आपका है। इसकी मेमोरी कैपेसिटी 32,000 से 4 करोड़ हो गई थी, यानी कि डाटा इसका और भी बढ़ गया, डाटा रखने की क्षमता बढ़ गई थी, और स्पीड आपका 10 मिलियन इंटरसन पर सेकंड ही रहा, जो सेकंड जनरेशन में ही है। लैंग्वेज आपके आ गए थे नए नहीं आए थे, पुराने ही थे, बस एक नया आया था, यानी कि PL/1 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसको कह सकते हैं, बाकी पुराने ही थे। और जो आपका IC है उसको बनाने के वैज्ञानिक का नाम जैन किल्बी, रॉबर्ट नोयस ने बनाया था, कब,
1958 में, ठीक है, जो थर्ड जनरेशन में इसका यूज किया गया। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपका ये आपका आईसी है, इस तरह का होता है, कंप्यूटर इतने छोटे आकार में आ गया था थर्ड जनरेशन में, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बन जाते हैं जो इसमें आपका पूछा जा सकता है कि लैंग्वेज थर्ड जनरेशन में जो नया है आपका PL/1, ठीक, और आईसी बनाने वाले वैज्ञानिक का नाम ये बन रहा है, ठीक है, आईसी का फुल फॉर्म पूछ लेता कभी कभार। फिर आपका नेक्स्ट जो आपका अगला है, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, टाइम पीरियड आपका 1973 से 1982 के बीच, ये आपका फोर्थ जनरेशन। टाइम पीरियड से कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है, बस मैं इसे दे दिया हूँ, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। कंप्यूटर के फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था, यानी कि सबसे चौथा जो जनरेशन हुआ उसमें माइक्रो प्रोसेसर बनाया गया, जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों जनरेशन से काफ़ी तेज, भरोसेमंद और साइज में छोटा पाया गया, और इसको कहीं भी उठा करके आप इधर उधर रख भी सकते हैं कंप्यूटर को, ठीक है। अच्छा, भरोसेमंद क्यों हुआ, क्योंकि इसमें आपका डाटा ना ख़राब होने का डर है, डाटा डेड ना कंप्यूटर डेड होने का भी डर नहीं था, और छोटा भी था। कारण क्या था, ये आपका है, देख रहे ना, 1973 के बाद से ये आपका हुआ है। तो 1973 में आपका ऐसा था जो आपका फर्स्ट पिक्चर है, और 1973 लेकर के आज तक से लेकर और पहले, यानी कि 2000 के पहले कंप्यूटर लैपटॉप में कन्वर्ट किए जा चुके थे, जिसमें सारे के सारे चीज़ें एक में इनबिल्ड थी, ठीक। अब आते हैं, बात करते हैं इसमें कुछ फीचर्स। कैपेसिटी 512,000 से लेकर के 32,000 करोड़ डाटा रखने की क्षमता थी, यानी कि 32 GB कह सकते हैं आप। स्पीड 100 करोड़ IPS इंटरनेशनल पर सेकेंड हो गया, ठीक, यानी कि स्पीड की डाटा, जो डाटा का स्पीड लेने का देने का है, आपका 100 करोड़ IPS यानी कि इंटरनेशनल पर सेकेंड है। लैंग्वेज आपके सी लैंग्वेज आ गए, C++, फोरक्स और भी जब सब लैंग्वेज आ चुकी थी जिसमें प्रयोग किया सकता था और काम भी कर सकते थे, प्लस प्रोग्रामिंग भी कर सकते थे। प्रोसेसर वैज्ञानिक, प्रोसेसर बनाने वाले वैज्ञानिक का नाम है मार्सिन हॉफ, स्टनली मेजर, मसाटोशी सीमा, फेडरिक फारगिन का बनाया गया था 1970 में, जिसका प्रयोग आपके 73 में किया गया, 72 में, ठीक है। फिर आपका फिफ्थ जनरेशन आया, टाइम पीरियड 1982 से है, 1982 से लेकर के अभी तक ऐसे कोई पता नहीं है कब आएगा ये, ठीक है, क्यों नहीं आया मैं बता रहा हूँ इसका भी कारण क्या है। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर के में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का यूज किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मतलब कृत्रिम दिमाग बुद्धि, जिसे हम मानव का दिमाग है वैसे दिमाग को बना डाला गया, जैसे मानव काम करता है वैसे कंप्यूटर भी काम करेगा, ठीक है। तो इस तरह से टेक्नोलॉजी का प्रयोग बनाया गया, और परीक्षण भी हुआ, चला भी, बट हम लोगों के लिए नुकसानदायक है, इसलिए इसको रोक के रखा गया, ऐसा बनाया जाए कि जो हम लोगों के बीच रहकर ही काम करे और कोई नुकसान ना पहुंचे। जब ऐसा हो जाएगा तब आपका फिफ्थ जनरेशन आ जाएगा, ठीक है। तो इस टेक्नोलॉजी को कंप्यूटर के हिस्ट्री में या कुछ कंप्यूटर के टेक्नोलॉजी में सबसे सर्वोपरि सिद्ध करता है, सबसे सर्वोपरि माना गया है, जिसमें खुद का इस्तेमाल करता है, क्या IQ, जो IQ उसका जो दिमाग हो खुद का इस्तेमाल करेगा, आपको उसको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, जैसे आप खुद का दिमाग इस्तेमाल करते हैं वैसे, ठीक। ये आपका कंप्यूटर जो है पिक्चर के थ्रू कंट्रोल होता है, कौन सा कंप्यूटर, जो आपका फिफ्थ जनरेशन का है, जैसे हम लोग किसके थ्रू कंट्रोल होते हैं, पिक्चर के थ्रू। अगर आँख बंद कर लेंगे तो अपने घर तक आप नहीं जा पाएंगे, क्यों, क्योंकि आपके आँख से चित्र बने गए, तो आपको किधर जाना है किधर नहीं जाना है आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे अपने आप को, ठीक है। आप जहाँ पर रहोगे वहीं पर खड़े रहोगे, जैसे आँख खोलोगे तब जान जाओगे आगे क्या है, पीछे क्या है, बगल में क्या है, ठीक। वैसे कंप्यूटर बनाया गया जो खुद कंट्रोल कर सकता है, जिसको हम रोबोट कहते हैं, ये आपका है, क्लियर हुआ। तो आज इस वीडियो में इतना तक, अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, धन्यवाद।